देखिए मैं आपको बताऊं, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं भी आएगा तो पांच चीज तो कैसे खत्म होगी, मैं बता रहा हूं। हाँ, ट्रिपल तलाक का मैं पिटिशनर था, फर्स्ट पिटिशनर ट्रिपल तलाक का मैं था, महिलाएं मतलब बाद में आई। सारी गड़बड़ियां आप ही करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने तीन तलाक को चैलेंज किया था, हो गया। अब मेरी PIL पेंडिंग है पॉलीगैमी, हलाला, मुताह, मिसयार और शरिया कोर्ट पे। इन पांच चीजों को मैंने चैलेंज किया। ये क्या क्या है? पॉलीगैमी का मतलब जो लोग चार शादी चार करते शादी। हैं। सुप्रीम कोर्ट मेरी पिटीशन पेंडिंग है राम मंदिर के बाद, वो फाइव जजेस के सामने रेफर हो चुकी है। जैसे राम मंदिर खत्म होगा मैं उसको मेंशन करूंगा, उसमें सुनवाई करवाऊंगा। एक हो गया ये। तो आपको क्या दिक्कत है कोई लोग चार शादी करे, पांच शादी करे? नहीं नहीं, ये देश सेकुलर देश है भाई, ये कोई कुरान से, बाइबल से, वेद कुरान थोड़ी चल रहा है, संविधान से चल रहा है, संविधान। फिर तो आप एक काम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप महिलाओं को भी चार पति रखने का अधिकार दे दो, चार शौहर रखने का अधिकार दे दो। हमारा हमारी लड़ाई इस बात से बराबरी को, गैर बराबरी को लेके है। अगर एक शौहर चार बीवी रख सकता है तो आप बीवी को भी चार शौहर रखने का अधिकार दे दो, हमें 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 कोई दिक्कत नहीं, आप दे दो। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट है हलाला। हम ये कह रहे हैं ये हलाला रेप है। आप सेक्शन 375 जो बलात्कार की डिफिनीशन दी हुई है इंडियन पिनल कोड में, उसको पढ़ लीजिए, उसकी जो छठवीं डिफिनीशन है वो बिल्कुल वही है जो हलाला है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आप इस हलाला को बलात्कार डिक्लेयर कर दो, कि जो आदमी हलाला करे सीधे वो आजीवन कारावास। या आपने कोर्ट में कोर्ट में मेरी पिटीशन पेंडिंग है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरी है मुताह और मिसयार। सुन्नियों में मुताह, सियाओं में मिसयार होता है। उसमें क्या होता है, 10 दिन के लिए शादी करते हैं, 15 दिन के लिए शादी करते हैं। वो अरब के नवाब आते हैं, शेख आते हैं, वो पैसे दे के शादी कर लेते हैं। भारत में भी क्या है, जिसके पास पैसा है वो गरीबों की लड़कियों के 10-10 दिन 20-20 दिन के लिए शादी कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। होता क्या है कि उसके बाद वो लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं, 12 साल 14 साल की बच्चियां, मुताह मिसयार के चक्कर में उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। लोग मजे लेके चले जा रहे हैं पैसे दे के, उसके बाद वो बच्चे हो पैदा हो रही हैं, वो कहते हैं नहीं बिना ब्याह ही वो विधवा हो जा रही हैं, और उनके बच्चों को कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो उनकी जिंदगी। तो वो उस इस दौरान जो संतानें जो होती हैं, हाँ, उसका केयर, उसका कोई 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 केयर टेकर नहीं, क्योंकि शादी निकाह हुआ ही नहीं, वो तो मुताह और मिसयार हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई 10 दिन 15-20 दिन की। हैदराबाद में खूब होता है, केरला में खूब हो रहा है, और इवन नॉर्थ इंडिया में होता है। तो ये ओवैसी साहब जिसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते, वो चुप रहते हैं, वो सेकुलर आदमी इसलिए चुप रहते हैं, हम कम्युनल इसलिए हम आवाज उठा रहे हैं। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या था? तो मुताह मिसयार हो गया। हाँ, तीसरा चौथा पांचवा पॉइंट है शरिया कोर्ट। पूरे देश में ये जो पर्सनल लॉ बोर्ड है ना, पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में बताऊं, एक NGO है। 1973 में इसका रजिस्ट्रेशन इंदिरा जी ने करवाई थी अपनी सल्तनत को बचाने के लिए और समाज में डिवाइड एंड रूल करने के लिए, अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए उन्होंने एक NGO बनवा दिया। आज भी वो NGO है। मैं आपके दर्शकों से कहूंगा अब एक बात, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जाइए उसकी वेबसाइट पे, विकीपीडिया देखिए, वो 1973 में बनाया हुआ NGO है। ना वो कोई धार्मिक संस्था है, ना कोई आध्यात्मिक संस्था है, अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए वो हर जगह अपना कोर्ट के मामले में आके दखल दे देता है, दखल देते हैं। उसने क्या कर रखा है कि पूरे देश में हर एक जिले में तो है ही है, उसने तहसील स्तर पर अपने दारुल कजा बना दिया, जिसको शरिया कोर्ट बोलते हैं। अब वो क्या कर रहा है कि सारे मुस्लिम्स के जो मामले हैं उसको शरिया के तरीके से निपटा रहा है। हमारे ये देश तो, में ये तो अलाउड नहीं होना चाहिए। तो ये जुडिशरी के पैरेलल एक और जुडिशरी बनी हुई है, शरिया कोर्ट, जिसको दारुल कजावे लोग बोलते हैं। तो मैंने उसको भी चैलेंज किया हुआ है। तो ये पांच चीज चली जाएंगी, कॉमन सिविल कोड आए चाहे ना आए, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। मैंने UCC आया